आज मैं सभी दिल्ली वालों को बताना चाहूंगी कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। सब दिल्ली वालों को पता है कि सर्दी के मौसम में दिल्ली का पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना। एक तरफ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है जिसने लगातार 2 साल के प्रयासों से पराली जलने की घटनाओं को कम किया है। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है, कम कर सकती है, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह हवा में उसी तरह पानी में भारतीय जनता पार्टी के नेता कालिंदी कुंज पर जाके फोटो खिंचा रहे हैं कि झाग बन रही है, पर वो आपको उसकी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। और सच्चाई ये है कि ये झाग यमुना में क्यों आता है? ये इसलिए आता है क्योंकि हरियाणा की इंडस्ट्रीज 165 MGD प्रदूषित पानी छोड़ती हैं बादशाहपुर ड्रेन से, मुंगेशपुर ड्रेन से, DD6 से 165 MGD अनट्रीटेड पोल्यूटेड वाटर। दूसरा, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार साहिबाबाद ड्रेन से, इंद्रापुरी ड्रेन से 55 MGD प्रदूषित पानी छोड़ती है। जैसे ही उनको पता चलता है त्योहार का समय आ रहा है, दिवाली का समय आ रहा है, छठ का समय आ रहा है, वो ये गंदा पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो बराज के सारे कालिंदी कुंज के गेट बंद कर देते हैं कि सारा गंदा पानी दिल्ली में आए। लेकिन आम आदमी पार्टी फिर भी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर भी समाधान ढूंढ रही है। और हमने लगातार सिलिकॉन बेस्ड फूड ग्रेड डिफॉर्मर से इस झाग को कम करने का काम किया है। पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं, आज रात से यही डिफॉर्मिंग शुरू भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी गंदी राजनीति करे, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के लिए काम करते रहेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.